कौन करेगा फैसला? देख रहे हैं ना, ये जो रोला चल रहा है, शादी वाला जो रोला चल रहा है ना, कभी कोई राजी नहीं हो रहा, कभी हम कब तक ऐसे बर्दाश्त करेंगे? ये ना करनी है शादी तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआओं से, अल्लाह पाक के फजल करम से, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो वेलकम बैक, एक न्यू व्लॉग के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि असल मामला क्या है। बहुत बड़ी टेंशन भी है, बहुत बड़ा गुस्सा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह खैर करे, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ऐसे सब्सक्राइब कर दे, ऐसे 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 ऐसे, जल्दी जल्दी। माशाल्लाह, आज मेरी बूटियों को देखें, रोज आप कहेंगे बूटियां ही दिखाता है, और तो कोई काम है नहीं, क्या करें भी, घर में होंगे वही चीज दिखाएंगे जो घर में ऑलरेडी मौजूद होगी, नहीं तो और क्या, जो न्यू आएगी वो भी आपको दिखाएंगे। आपने घबराना नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पिक्चर तो आगे एंड तक चलेगी, देखना आपने। और सिद्रा जो है वो सब्जी बना रही है, आज रिश्तेदार और गोभी पक रही है, धनिया मसाला और रिश्तेदार और उसकी कजन, ओ रिश्तेदार और रिश्तेदार की कजन, ओ है रिश्तेदार दे, ओ कजन ते दो रिश्तेदार दे भिरा भी आ गए, मेर आ गए, मतलब ये तो फुफेर मुमेर फुफेर, वाह जी वाह, भाई साहब लगता है केलों का आज लंडा लगा आया है, ओ केला का ओ, दुआ को दो, केला रो रही है, ओ दे चाचू बाद देंगे, ये वाले थोड़े थोड़े से कुछ कच्चे हैं और ये वाले से कुछ पक्के हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मोटे मोटे और ये छोटे छोटे, क्या बात है, ये असल में रोला क्या है? ना छेड़ो, बड़ी अम्मा को दो फिर वो बांटेगी, रोला वो है जो आप बहन भाई बताने वाले। हाँ रोला जो है ना वो तो मैं बताऊंगा कि रोला असल में क्या चल रहा है। चाचू उस रोले की मुझे जो है ना, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे, नो टेंशन, सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, धाने कट्टी जाना है बस, केले खाने हैं तो आ जाओ अम्मी के पास, चलते हैं केले खाने। हाँ, चले, वो कौन सा इंग्लैंड बैठी है वो देखे, सामने बैठी है। हाँ, बैठी है, मैं भी आ रही हूँ। हाँ जी चलते हैं जी अम्मी के पास केले खाने के लिए, और अब्बू मेरे की जो तबीयत है वो आज खराब है, उनके लिए दुआ करनी है, बुखार हो गया है, खांसी है, नजला जुकाम है, खांसी नजला जुकाम बुखार, मौसम चेंज हो रहा है ना इस वजह से तबीयत काफी खराब लग रही है, दवाई ली थी आज, सही नहीं तो फिर चलें दवाई ले आए, दो केले आ गए, चलो जी अल्लाह खैर करे। मरियम को किसने बुलाया है? ए, अपने हाथ देखो, हाथ इधर से एक लगाऊंगा ना, चलो हाथ धो के आओ, कितनी बार कहा है ना हाथ कपड़े गंदे ना किया करो, फिर भी समझते नहीं है, जो चीज खाते हो हाथ धो के खाया करो, समझ आई? कहना मारियम, आपको पता नहीं है हाथ धो के खाते हैं चीजें हैं? हाँ जी, आगे से ऐसा किया ना तो फिर देखना, फिर आपको कोई शय लेके भी नहीं दूंगा, मजे करना फिर, चलें जी बिना टाइम वेस्ट किए, किसी को केले खाने हैं तो आ जाएं। माशाल्लाह ये देखें अम्मी बांट रही है और हम खा रहे हैं, फिर अम्मी खाएगी हम देखेंगे। ये दो हमारे, दो आपके, ये क्या आपने बड़े वाले ले लिए, मुझे छोटे दे दिए, ये दो अब्बू के, किधर से दे, मैं अच्छा वाला दे रहा था तो आपने लिया ही नहीं, तो भाग गई है। कौन भाग गई है? हाँ एक वो दे दो अपनी सहेली को, ठीक है, मधु को, मदीहा को, सही, माशाल्लाह जी।
आज हमने कहा केले का सीजन चला देते हैं। ये किसके हैं? मारिया के। वो दुल्हन कहाँ खाती है? खाती है। वो नहीं खाती। नहीं खाती ना केले? किसने कहा खाती है? वो आप ही कह रही है नहीं खाने। नहीं खाती है। क्या करने है? खाने। नहीं खाने, खाने। वो कहती है नहीं खाने। अच्छा नहीं खाने तो आप मैं खा लूं? ओ मैं, वो अम्मी ने कह दिया आप खा लो, ठीक है। वो आपने आपने कहा ना नहीं खाने, तो फिर मैं खा लूं। मैंने खाने। हाँ दो दो आए हैं, चार और भी चाहिए क्या? पहले तो आप पहले तो कह रहा था भाई साहब केले नहीं खाने। ये जो उरला रखा हुआ है मोटे मोटे केले वाला, बड़ी बात है। एक मोटा केला और दुआ फातिमा केला खा रही है। केला खा रही हो? आपको करो दिस मिला। ओ सारा खा गई। देखना आड़ ना जाए। चलें जी फिर मिलते हैं थोड़ी देर में केले खा के। हाँ जी किचन के सरदार। हाँ जी कैसे हो? ठीक। पका रहे हो सालन गोभी आलू? बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा ऐसा करो, तवे पे रोटी पकाओगे? हाँ वो हम जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है उधर, सिठा रहे हैं चौक अबू और मैं, ठीक है? सही है। तो आप जो है ना ये सब्जी वगैरह बनाएं और मुझे जो है ना थोड़े से पैसे दें, पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल डलवाएंगे ना बाइक में। ये देखो मजे की बात बताऊं, जो इसमें बूटियां हैं ना ये कम उग रही हैं, और इस पे ये जो अकेली अकेली रहा है ना, इस पे देखो कितनी छोटी छोटी उग रही हैं। हाँ ये मैंने कहा इसको काट के ना ऊपर से ये वाली जो है फिर इसको अलहदा डालो, दोबारा इसको लगाएं। हाँ। अब ये बहुत पुरानी हो चुकी है, ये भी नहीं फूट रही इसलिए, और ये भी, और ये थोड़ी सी है, और ये भी है, लेकिन ये भी न्यू है, मतलब जो पुरानी वाली है ना ये जैसे ये इसे ये कुछ तोड़ दिए थे ना इधर से, ये देखे ये वाले अभी देखे काफी अच्छी हो गई है। सही है। चलो अभी दो पेट्रोल के पैसे तो दो फिर जाएं हम। ये खड़ी है जी बाइक हमारी, और अभी जो है ना निकालते हैं बाइक और चलते हैं। आ जाओ अबू जी। और मजे की बात पता क्या है, मेरी बाइक की जो है ना चाबी भी आधी है, ये देखें, ये इसको जो है ना न्यू बनवानी है, शहर का चक्कर नहीं लग रहा। ये टूट गई है क्या? ये टूटी हुई थी पहले से, ये न्यू बनवाएंगे। थोड़ा सा काम जो है ना बाइक का छोटा मोटा करवाने वाला है, वो मतलब ऐसे 100-200-150 वाला वो करवाना है, करवाएंगे। शेबू क्या खा रहा है? पापड़ खा रहे हो? खाओ। आप पापड़ खा रहे हो, दुआ को छिलियां खिला रहे हो? दुआ छिलियां खाती है? आप खाती है? आप छिलियां खाती है? मैं तड़ाई टाफिया खा रही हूँ। तड़ाई टाफिया खा रही हो? दुआ क्या खा रही है? छिलड़ियां खा रही हो? छिलड़ियां, ये छिलड़ियां हैं, छिलड़ियां ना खाओ हैं। मेरी बदक ने क्या पाया हुआ है? तो ये देखे, मेरी बदक ने शापर पाया हुआ है, वो देखो गील गील के जा रही है। बदकू शापर पही हो तो शापर हट जाओ, शापर उतारने दो। वो देखो कोई मेरी बात सुनता है? खाली रोटी हूँ, चुप कर गए हो? और खा लो, और पही है अभी, खा लो बस है, अभी रोटी खा के चुप कर गए। जब आते हैं ना तो एक बच्चों के पीछे भागते हैं। और माशाल्लाह ये देखे खाना भी तैयार हो गया है, आलू गोभी बुखार है, खा रहा हूँ तो आ जाए हमारे साथ। हाँ अभी कैसी है तबीयत, कुछ फर्क है? बस ब्याह का खासी तंग किया हुआ है। ब्याह क्या गुजारा है दादे, मेरा वो दादा है ना चाचू अल्ताफ का बोस की तला, वो भी ऐसे कहता है अभी गुजारा है। हाँ। जब ज्यादा खराब होती है कहता है गुजारा भी नहीं है अब। हाँ, सही है। अल्लाह पाक खैर करे।
ये देखें कढ़ाई में जो है ना सालन पक गया है, रोटी अम्मी रोटी के ऊपर रख के खा रही है। हाँ सूखी भाजी है ना। कैसा बना है सालन? बहुत अच्छा। कैसा बना है दुल्हना साहिबा? अच्छा शुक्र है। दो चार दिन रह गए हैं, पूछ ले फिर तो आपका कोई पता नहीं है। फिर तो इसकी सूरत देखने के लिए सेक जाएंगे। हाँ फिर किसने देखना है? मारिया सिस्टर कहाँ है, किधर है? जब जब आते हो ना तो सारे भाई जब आते हैं ना बोलते हैं मारिया किधर है, किधर है मारिया, किधर है? तो मारिया तुसा को नजर नहीं आए। हाशिम को भी रोटी दो, हाशिम भी खाए। कैसे? हाँ सही है। करीम भी खाना खाओगी? हाशिम जरा ना रोटी खाओगी? कितनी रोटी खाओगी? ये मेरे साथ खाएगी। कितनी रोटी खाओगी? इतनी कितनी? दो रोटियां खाओगी? तीन रोटियां? हमें भी जो है ना दे दे रोटी और सालन भी दे दे, हम भी खाएं रोटी। उसके बाद जो है ना क्या होगा? मरियम को कूटेंगे। मरियम के सारे दांत अभी ऐसे हिल रहे हैं, एक तो गिर गया, ऐसे दांत दिखाओ। दरवाजा खुला हुआ है दुकान का। आपके आपका तो दरवाजा टूट गया है दांत वाला, वो कोई चूहा सामान चोरी ले गया फिर। दरिया ये हाशिम को रखनी चाहिए थी, क्यों नहीं रखिया? मैंने बोला आ जाए, उसको बोलता हूँ, वो फिर रखी नहीं है। हाँ ये किसकी है? शेबू की। शेबू आपके लिए आपकी अपनी भी रोटी आ गई, ये देखो अब खाओगे। इसको देखो कहाँ जा रही हो? उधर से झात कर रही है। हाँ? कोई नहीं है उधर। देखना देखना मैं उधर जाता हूँ फिर झात करेगी। और मेरी बच्चे इधर से किचन में आ गया, अब देखना झात। झात झात करो अब झात झात। हुक्का दुआ हुक्का जात। अब इधर से जात कर रही हो? अब इधर से जात कर रही हो? जात कर रही है क्या करना? ध्यान कर। ये आ गई हमारी रोटी जी, खा लो। खाते हैं रोटी। पानी में खुले अब्बू को भी दो पानी। मरियम और इधर जो है ना, चलो सीधे होके बैठ। आपने रोटी खा ली? हाँ जी। चलो फिर सो। मरियम का पता भी नहीं चला। मरियम चला गया दूध वाला? पता नहीं। आवाज तो नहीं आई है। हारन चारा तो नहीं आया। हारन तो नहीं आया दूध वाले का। सो दवा पींदी पी है? तू पींदी कौड़ा दवा? ऊपर देखो, आप पियोगे कौड़ा दवा? नहीं। अच्छा गोलियां खाओगे? वो अबू गोलियां खा रहे हैं, गोलियां खाओगे? नहीं नहीं खाओगे? कौन खाएगा? वडी अम्मा गोलियां खाएगी? दवा भी हो वडी अम्मा पीवे, गोलियां भी वडी अम्मा खावे। तू क्या खाओ सा? रोटी। वाह जी वाह, कहता है मैं रोटी खाऊंगा, अब्बू दवाई खाए और वड्डी अम्मा भी दवाई खाए। हाँ वो कहता है ये दवाई खाए और हम रोटी खाएं। अम्मी एलर्जी की दवाई खा रही है और अब्बू जो है बुखार जुकाम की दवाई खा रहा है। और भाभी को जल्दी लग गई है, देखें पांडे उठाए हुए हैं ये देखें। चाय बनाने के चाय लिए। बनाने वाले पांडे शांडे। पतीले कच में किए हुए हैं, चाय का टाइम हो गया है। वो वाली वीडियो पे मेहमान आ गए, चाय पका लो।
और सिर में दर्द है, चाय पका लो। सुबह हो गई चाय पका लो, रात हो गई चाय पका लो, बोर हो रहे हो चाय पका लो, बुखार हो गया चाय पका लो, सारे बस चाय ही चाय लगी होती है। क्या दिया कह नहीं होती? अच्छा मैं आवे था ना वाला वाला तेरे को पूछा। अच्छा आज अभी जो अहम बात करनी है ना हाँ। वो बतानी है। अच्छा असल में जो सारा रोला चल रहा है ना अभी उसका कुछ मुझे फैसला करना पड़ेगा कि उसका क्या करना चाहिए। जज साहब आ गए हैं। जज साहब तशरीफ लाए। किधर गए हैं? ऑर्डर ऑर्डर। कौन करेगा फैसला? जज करता है और कौन करता है? अच्छा फैसला जज करता है हाँ। अच्छा वकील साहब कौन है? वकील तो आप ठहरे और कौन? अच्छा ये मतलब केस मैं लड़ूंगा हाँ। और मुखालिफ पार्टी से कौन लड़ेगा? हमें नहीं पता। अब्बू को देखो सवड़ पा रहे हैं, अल्लाह ही खैर करे। अब्बू कहता है मुखालिफ पार्टी से है, मैं सवड़ पा मुखालिफ वो अब्बू बोलता है मुखालिफ पार्टी जब बनेगी मैं पहले सवड़ पा लूं। हाँ हाँ जी कौन बने कौन बनेगा आज का जज साहब? मुझे आप, पता नहीं है को, क्या कर रहे हो। बहुत बड़ा फैसला हो रहा है हाँ। जो आपने जो जिसने हामी भरी है बड़ा बड़ा है ना वो पार्टी से मुकाबला भी वही करेगा। अच्छा हाँ। ये तो हम तो ठहरे परदेसी, सुबह गाड़ी लेके निकल जाएंगे हाँ, निकल फिर आप जानो आपका काम जाने हाँ सही है जाओ आप चले जाएंगे हम इसे क्या करेंगे जो जो बाजी लगाई है ना उसको जीत के दिखाओ। ओ खैर हाँ। इधर तो बाबा धमकियां मिल रही हैं। अल्लाह ही खैर करे। ऐसे थोड़ी बन जाता है कोई। चलें उधर बैठें पीछे मैं आपको बात समझाता हूं बताता हूं। असल में ये रोला जो है ना वो मजाक बहुत हो गई है। असल जो मुद्दे वाली बात है उस पे आते हैं। ये जो रोला आप देख रहे हैं ना ये जो रोला चल रहा है असल में इसकी हकीकत क्या है उसकी इसकी तह तक पहुंच के आज आपको बताएंगे कि क्या रोला है और ऐसा क्यों है। उधर बैठो पीछे अब वो देखो कैसे हो गए हैं ताकि उसको भी कुछ पता चले। हाँ तो ये बात है हाँ। उधर अबू के साथ बैठ जाओ। तो आप हो हमने बता दिया है अब आगे जो फैसला करना है ना आप करो। मसला दरअसल ये है कि शादी वाला जो रोला चल रहा है ना उस पे रोले पे रोला पाया हुआ है। समझ आ रही है? आपके नजदीक हो जाऊं मत ना समझ आवे। आ रही है और वो ये बात है कि अभी बात शुरू की थी चाचू अल्ताफ खाला सलमा उन्होंने और उन्होंने हमें भी कहा और मामू वालों को भी कहा। तो आजकल दो चार दिन से हम देख रहे हैं कभी कोई राज़ी नहीं हो रहा कभी कोई नाराज़ है कभी कोई। और ये जो बात है असल में वो कोई कह रहा है कि अब हम शादी रख के फंस गए हैं तो कोई कहता है हम मेहतर बन के फंस गए हैं। आखिर ये माजरा क्या है और कब तक ऐसा चलेगा? हम कब तक ऐसे बर्दाश्त करेंगे? मतलब इरादा बंदे ये सबसे सलाह करके फिर जो है ना बंदा कदम उठाता है हाँ। जो शादी की बात होती है वो ऐसी नहीं होती एक दिन में बात करो बस फाइनल हो जाओ। शादी से बहुत काम कर रहे होते हैं। शादी जब कर जो शादियां करता है ना जो शादियां जाए कीती है ना उसको पता है। अभी अभी हमने की है हमें पता है हाँ। उसने हामी तो भरी है पर मैंने उस टाइम भी बात की थी खुद उनने को बात की थी कि उसने तुमने हामी तो भर ली है
जब पूरे शादी पे उतर जाएंगे तो फिर पता चलेगा। अब देखें दिन ऐसे गुजरते हैं कि पता भी नहीं चलता, टाइम का पता भी नहीं चलेगा, एंड में आके जो है ना मसला हमारे लिए, उनके लिए, सबके लिए मसला बन जाएगा। क्योंकि ये जो शादी के छोटे छोटे काम होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे जो ऐसे करने होते हैं, उनका जो है ना बड़ा मामला जो है ना मुश्किल होता है। एक एक जो दिन होता है ना वो भी कीमती हो जाता है। अगर हम ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो मतलब किसी को मनाने में लगे रहेंगे, या किसी को कोई राजी हो आए ना आए, फिर उधर से दिन भी मुक जाएं, तैयारियां भी तक कोई शुरू नहीं की है, कुछ लिया दिया नहीं है, कुछ मतलब कुछ ही सेटिंग भी नहीं हुई है, दिन मुक जाएंगे तो फिर बाद में मसला बनेगा। एक दो दिन में आ जाएंगे तो फिर वो रोला बन जाएगा, ये काम रह गया, फलाना काम रह गया, उधर जाना पड़ रहा, उधर जाना था वो नहीं हुआ, ये तो फिर मसले उल्टा हो जाएंगे ना। सही बात है। फोन करके बोलो ना, जो आप लोगों ने ये तो कदम उठाया है, आप पूरा करो उसको। अब तो आप तो स्कूल का स्कूल से जाकर उधर सो गए हैं, हम परेशान होते जा रहे हैं। अल्लाह पाक बेहतर करेगा जी। ये असल में जो मामला है ये इसको निपटाते हैं, सुबह इंशाल्लाह इस बारे में रابطہ करके उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा और क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। हाँ तो फिर वो जो भी मामलात हैं निबेड़ेंगे, देखेंगे कि आखिर ये क्या मामला है। बात करनी है ना उनसे, ये अभी करो और थोड़ी देर करके करो, आज ही करो। सुबह तो वो जा सोते हैं तो सोए जाते हैं। चलो सही है, अल्लाह खैर करे, अभी बात करते हैं इंशाल्लाह, फिर सुबह वाली वीडियो में बताएंगे आखिर ये मामला क्या है, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट बताएंगे कि आखिर ये शादी करनी है नहीं करनी है, नहीं करनी थी तो पहले बताते, आखिर ये रोला क्या है, कोई तो इसका हाल निकालो। सही बात है, जब शादी की पूरी तैयारी नहीं हो रही थी, हमने पहले बताया था, मेरी हमारे पास कुछ नहीं, जरा कुछ करोगे तुसा करोगे, जो सिस्टर है जो भाई है बहन है जो भी है जो तावन कर रहा है उस सब को बता दो, भली इस शादी के दिन जरे होते हैं थोड़े होते हैं। बिल्कुल, जो भी तावन करना चाहता है अभी अभी करे, जरे थोड़े दिन बाद जाएंगे तो हमारी तैयारी नहीं हो जाएगी, तो चुप करके उधर बैठ गए हैं, उनसे बात करो क्या मामला है। ये ना करनी है शादी तो 5 किलो मिठाई लेके क्यों आए थे ना आते फिर। चलो अल्लाह खैर करे जी, बाकी की जो डिटेल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंफर्म करके बताएंगे। मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे खांसी आ जाती है, मेरी तबीयत सही है नहीं। हाँ अल्लाह पाक बेहतर करे, तो जो मामला है इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मजीद। अभी के लिए फिलहाल हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और सबने दुआओं में भी याद रखना है हमें। आमीन आमीन।